दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे लोहे की पाइप के साइज के बारे में जानकारी, थिकनेस और रेट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एमएस लोहा जो है वो 64 रुपी केजी के हिसाब से आपको मिलेगा, और जो जीआई लोहा है गैल्वेनाइज्ड अपोलो कंपनी का वो मिलेगा आपको 88 रुपी केजी, और टाटा कंपनी का जो जीआई लोहा है वो आपको मिलेगा 94 रुपी पर केजी के हिसाब से। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल पाइप है 1 इंच बाई 3 इंच की। तो देख सकते हैं ये साइज जो है वो 3 इंच की, जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है। 1.5 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगल पाइप है। इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो ट्रेस बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जब हम घर के ऊपर रूफिंग का काम करवाते हैं तो कौन सी पाइप का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कितना वजन होता है और मूल्य कितना होता है। ठीक है, जो कॉलम के लिए पाइप यूज़ की जाती है वो कितने इंच की करनी चाहिए, स्क्वेयर लगाना चाहिए या गोल लगाना चाहिए, सारी बातें करेंगे आप माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप जब कभी अपने घर के ऊपर रूफिंग का काम करवाएं तो आपको नॉलेज हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक घर के ऊपर शेड का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने फ्रंट साइड में 4 कॉलम लगा दिए हैं। 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और थिकनेस रहेगी इसकी वो 4 mm है। तो दोस्तों देख सकते हैं शेड बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो पाइप यूज की है इसका 4 इंच है। ठीक है, 4 इंच बाई 4 इंच की थिकनेस 4 mm। तो यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं हमने जो धासा लगाया है ये रेक्टेंगल पाइप 1.5 इंच बाई 3 इंच की पाइप का लगाया है, तो इसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है। अब आपने ये ध्यान देना है जब भी घर के ऊपर रूफिंग का काम करवाएं, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पाइप कितनी थिकनेस की होनी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ आपको मैं आप बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो आप धासा देख सकते हैं टॉप पे लगाया गया है 1.5 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगल पाइप का, ये है 2 mm थिकनेस, और कॉलम लगाए गए हैं 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप के, ये हैं हमारे 4 mm की थिकनेस। दोस्तों हम यहाँ पे 4 टाइप की पाइप यूज कर रहे हैं। कॉलम के लिए हमारी 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं जहां पे हमने 4 कॉलम खड़े किए हैं, 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वायर पाइप ये आ गई, और दासे के रूप में जो हमने पाइप यूज की पाइप इस ये 1.5 इंच बाई 3 इंच का पाइप है। ठीक है, 75 mm × 40 mm का, दो साइज हो गए हमारे और एक साइज हमारा ये आ गया 40 mm × 40 mm की स्क्वायर ट्यूब। इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा फैब्रिकेशन वर्क वाले परलिन के रूप में करते हैं, शेड बनाने के काम करते हैं, जहाँ पे हम सीट इंस्टॉल करते हैं परलिन बोलते हैं उसे, इसके रूप में करते हैं। तो ये देख सकते हैं 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वेयर पाइप, और एक हमारे पास आती है 1 इंच बाई 1.5 इंच, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सीलिंग फ्रेम के लिए। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है जो कॉलम लगाने हैं वो स्क्वेयर लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम लगाएंगे तो उसमें भी फिटिंग अच्छी आ जाती है, या कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो वॉल टू वॉल जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी आती है, जो गोल पाइप होती है उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपने देखा जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉलम वाली पाइप जो है ये 20 फीट लेंथ में आता है 48 kg, और अगर आप 4 mm में लेंगे तो इसका वेट पड़ेगा आपको 68 kg। ठीक है, 1.8 mm लेंगे तो 42 kg, 2 mm में लेंगे तो 48 kg, अगर 4 mm में लेंगे आप इस पाइप को तो ये 68 kg, और इससे ऊपर आप लेंगे तो 88 kg पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो धासा लगाया गया है टॉप पे 1.5 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगल पाइप का, इसका वजन होता है पाइप का 20 किलो, 1 फीट में 1 किलो वजन आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो 2 mm है। यदि आप 2 mm से ज़्यादा थिकनेस लेते हैं पाइप की तो उसका वजन पड़ जाता है 25 किलो, ये 18 किलो से लेके 25 किलो तक इसका वजन होता है दोस्तों। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्क्वेयर पाइप 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वेयर ट्यूब है, इसका इस्तेमाल हम लोग परलिन के पाइप आपको 10 किलो से लेके 18 किलो तक वजन वाली मिल जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली MS स्क्वेयर पाइप है 40 mm बाई, तो जिसका फैब्रिकेटर शेड बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी पाइपें हो गई 3। चौथी पाइप आती है हमारी, जिसको हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास अभी अवेलेबल है ये पाइप।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइप जो है ये वाला साइज 40 mm का है और ये 20 mm का 20x40 mm की है ये पाइप होती है। तो ये पाइप देख सकते हैं आप लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो रूफिंग वर्क में सीलिंग के लिए फ्रेमिंग वर्क का इस्तेमाल करते हैं, इससे गेट ग्रिल काम किया जाता है। बढ़िया पाइप होती है दोस्तों, ये पाइप आती है 9 किलो से लेके 15 किलो तक। आप थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन से साइज की पाइप लेनी है, कितने थिकनेस मोटी पाइप लेनी है, उसके आधार के ऊपर ही आपको इसका प्राइस भी मिलेगा। तो ये हमारी 40 mm x 40 mm की पाइप है। तो ये पाइप आती है हमारी 10 किलो से लेके 16 किलो तक, ठीक है। डिपेंड करता है आप थिकनेस कितने mm की, अगर 1.8 mm लेते हैं तो 12 किलो की मिलेगी, 1.6 लेते हैं तो 11 किलो मिलेगी, 1.2 लेते हैं तो ये 8 किलो से लेके स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल पाइप 1.5 इंच x 3 इंच की। तो ये पाइप जो है हम ट्रेस वर्क के लिए यूज करते हैं और ये जो है पर्लिन के रूप में यूज करते हैं, गेट ग्रिल के लिए यूज करते हैं, दरवाजे बनाने के लिए यूज करते हैं और रेलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 1.5 इंच x 3 इंच की जो रेक्टेंगल पाइप है इसका इस्तेमाल हम ट्रेस बनाने के लिए करते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमने दस्ता लगाया है, तो दस्ता बनाने के लिए भी करते हैं। तो सभी पाइपों के वजन जो होते हैं वो उनकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने थिकनेस की पाइप लगवा रहे हैं अपने घर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोटिंग करके बेस प्लेट को हमने स्टील बार के साथ वेल्ड किया था। ये देख सकते हैं आप जितने भी कॉलम खड़े किए गए हैं सभी कॉलम के ऊपर यहाँ पे स्टील बार जो है वो वेल्ड किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे ये होगा कि हमारा जो छत है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और ये हम लोगों ने बिल्कुल सोल में खड़े किए हैं, गुनिये में खड़े किए हैं। जब भी आपने छत लगाना है तो उसका वाटर लेवल सही करना है, नहीं तो समस्या आती है पानी की लीकेज की, ठीक है। तो जो हम परनाला लगाते हैं वो सही से लेवल नहीं बनता है। और ये जो हम पाइप यूज़ करते हैं स्क्वेयर पाइप 4 इंच x 4 इंच का, ये बहुत ही बढ़िया पाइप होता है। इसे आप गैल्वेनाइज में भी लगा सकते हैं, अगर गैल्वेनाइज में आप लगाते हैं तो इसका प्राइस पड़ेगा आपको 80 के हिसाब से 8800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको ये पाइप मिलेगी। और ये पाइप आपको ये वाली पाइप जो है MS पाइप जो है ये पाइप आपको मिलेगी 64 रुपी पर केजी के हिसाब से, यानी 6400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको ये वाला पाइप मिलेगा। और टाटा कंपनी का जो पाइप है वो आपको मिलेगा 94 रुपी पर केजी के हिसाब से। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गैल्वेनाइज पाइप लगाना चाहते हैं या MS पाइप लगाना चाहते हैं। MS पाइप का ये लफड़ा होता है कि आपको इसमें बाद में पेंट करना पड़ेगा और क्रोजन जो है वो बाद में लग जाता है अंदर की तरफ से, तो इसे हमें बार बार पेंट करना पड़ता है। और जो हमारी गैल्वेनाइज पाइप होती है उसे हमें पेंट नहीं करना पड़ता है। तो देखना आपने है कहाँ पर आपका बजट सही बैठता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूफिंग वर्क जो है वो लंबे समय तक सही चले तो आप गैल्वेनाइज पाइप का इस्तेमाल करें। यदि आप MS की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेड ऑक्साइड प्राइमर और ब्लैक पेंट करना पड़ेगा, जिससे लोहे की जो लाइफ है वो बढ़ सके। तो गाइस मैं वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। जिन भाइयों ने लोहे के बाप का पता करना है वो वीडियो के एंड में चले आएँ, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ का मौसम देख सकते हैं कितना सुहावना है, ये हरे भरे पेड़ आम का पेड़ है, आम लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सामने की तरफ देख सकते हैं आम लगे हुए हैं दोस्तों। और ये घर देख सकते हैं, पुराने समय में हम जो रूफिंग का काम करते थे स्लेट लगाए जाते थे और यहाँ पे बांस और लकड़ का स्ट्रक्चर लगाया जाता था, इसके ऊपर स्लेट लगाए जाते थे। बहुत ही पुराना सिस्टम है और बहुत ही अच्छा होता था, मजबूत होता था। ये चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है दोस्तों। और हम हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर मौसम क्लाइमेट जो है वो बहुत ही शानदार है। और ये सामने जामुन का पेड़ है, जामुन भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, एक महीना लग जाएगा इनको पकने के लिए। और बारिश की बूंदाबांदी हो रही है और क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल कूल हो गया है। और ये घर देख सकते हैं, इस घर के ऊपर हम रूफिंग का काम कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 44 फीट है और इसकी ब्रिथ जो है वो 16 फीट है, ठीक है। इसके ऊपर हम डबल वी शेप में शेड बनाने वाले हैं, साथ में ही हम इन पौड़ियों को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो में जी जी जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए हमारे जो फैब्रिकेटर हैं। तो दोस्तों देखिए ट्रेस बनाने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेक्टेंगल पाइप 1.5 इंच x 3 इंच की। तो ये पाइप जो है वो 20 किलो वजन में है। यहाँ पे देखिए ट्रेस
या जो निचला भाग होता है इसे टाई बोला जाता है, और ये सेंटर में जो पीस लगाया जाता है इसे सेंटर मेंबर बोला जाता है। अब साइड में जो एंगल लगाए जाएंगे उनको प्रेस के इतने पार्ट होते हैं, बीच में क्रॉस मेंबर भी लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी अपनी वृत्त के हिसाब से ट्रेस का जो पाइप लगाना है उसका चुनाव करना है, ताकि आपकी जो ट्रेस है वो काफ़ी मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आपको एक ही बात करना चाहता हूँ, जब भी आप रूफिंग का काम करवाएं तो अच्छे मटेरियल का चुनाव करें, ताकि आपको बार बार समस्या ना हो और पेंट ना कराना पड़े, जिससे आपकी कॉस्ट जो है वो डबल हो जाती है। क्योंकि अब यहाँ पे मान लीजिए 64 रुपी के लोगों ने ये पाइप ली है, और हमारी जो दूसरी पाइप होती है वो 88 रुपी के जी होती है, तो डिफरेंस सिर्फ हमारा 24 रुपी का होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इसमें पेंट का खर्चा भी होता है, प्लस यहाँ पे लेबर चार्ज भी वाले को, दूसरा जो पेंट होता है वो अंदर की तरफ से नहीं होता है, सिर्फ बाहर की होती है, आपको 2-3 साल के बाद फिर से पेंट करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं लास्ट में रेट बता रहा हूँ, 64 रुपी पर के जी के हिसाब से आपको ये वाला पाइप मिलेगा, और जो एंगल है वो आपको 62 रुपी पर के जी के हिसाब से मिलेगा, और जो गैल्वेनाइज पाइप है अपोलो कंपनी की वो 88 रुपी पर के जी के हिसाब से मिलेगी, और जो टाटा पाइप है वो आपको मिलेगी 94 रुपी पर के जी के हिसाब से। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके और भाई जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही शानदार है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल कूल हो गया है, क्योंकि बारिश होने की वजह से यहाँ पर राहत मिली है गर्मी से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।